इसमें इस बार हाई स्ट्रेंथ स्टील का जो इस्तेमाल है वो काफी ज्यादा हुआ है। वाओ 100 क्या पुल करता है यार ये। ये प्रॉब्लम अभी 100% खत्म नहीं हुई है। अब देखिए बस आ रही है, सिंगल लेन रोड है तो ये ब्रेक ना मार दे। ये चलाने को नहीं मिलता ना तो यहाँ आना सफल नहीं होता। अबे 100 पहुंच गई यार इतनी आसानी से, क्या दिक्कत है। जब सेल्टोस का फेसलिफ्ट आ गया था ना उसके बाद भी ये अच्छी खासी बिकती थी। इस वीडियो में मैं अपने ओपिनियंस दे पाऊंगा कि मुझे कैसी लगी ये गाड़ी, ये जो डिज़ाइन है नया ये मुझे कैसा लगा, अंदर क्या क्या चीज़ों की कमी है और साथ के साथ अंदर के डिज़ाइन मुझे कैसा लगा, जो फीचर्स मिल रहे हैं वो कैसे हैं, काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, एडास वगैरह सब कुछ आया है इसमें। इन सब चीज़ों से पहले मैं आपको बता दूं, हुंडई ने इसका बॉडी शेल रखा हुआ था उसमें हमें ये दिखाया गया था, इसमें इस बार हाई स्ट्रेंथ स्टील का जो इस्तेमाल है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ है, जिसके माध्यम से वो ये बताना चाह रहे हैं कि ये अब पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। फीचर्स तो इसमें मिल गए आपको सेफ्टी और साथ के साथ जो इसका बॉडी शेल है वो अगर इम्प्रूव हो जाए स्ट्रेंथ के मामले में तो ये अच्छा स्कोर कर सकती है, यानी कि ये जो क्रेटा है अब सेफ हो चुकी है। मैं क्लेम नहीं कर रहा लेकिन हुंडई ये मैसेज देना चाहती है। अब बात करते हैं कि इसको अपडेट की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इसके जो राइवल्स हैं वो अपडेट हो चुके हैं। जो इसका पहला राइवल है वो है किया सेल्टोस, वो अभी हाल फिलहाल में आई है, उसमें सारे फीचर्स आते हैं तो उसके हिसाब से तो इसमें फीचर्स मिलने चाहिए ना। और एलिवेट है, उसका जो लुक है, स्टांस है वो काफी बोल्ड है, तो कोशिश करी गई है ये गाड़ी थोड़ा सा बोल्ड भी लगे और रगेड भी लगे और साथ के साथ इसमें फीचर्स की कोई भी कमी ना हो। और इसका जो डिजाइन एलिमेंट है ये कहीं ना कहीं इसको उस लेवल तक लेकर जा रहा है कि ये थोड़ी सी बोल्ड लगे और ये एक्चुअल में लग भी रही है। मुझे स्पेशली पीछे से ज्यादा ये बोल्ड प्लस रगेड लग रही है। अब देखिए स्किड प्लेट वगैरह का जो इस्तेमाल हुआ है जिसकी वजह से थोड़ा सा इसका स्टांस और ज़्यादा निखर गया है। जो चेंजेस कराए हुए हैं बम्पर्स में, ग्रिल्स में, पहले बहुत ही गोल मटोल थी गाड़ी लेकिन अब थोड़ी सी स्क्वायरिश लगने लग गई है। बट एक चीज़ की कमी मेरे को यहाँ पर ये लगी कि ग्रिल के बीच में गैप कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया। ये गाड़ी धूप की तरफ इसका फेस था, इसका अंदर का सारे जो चीज़ें हैं आपका रेडिएटर और साथ के साथ ये कंडेंसर ये सारे एक्सपोज थे और ये इतना ज़्यादा गैप है मैं आसानी से हाथ डाल सकता हूँ। ये जो सेंसर है इसको मैं अटैच कर सकता हूँ, डिटैच कर सकता हूँ, इतना ज़्यादा तो गैप नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। इसमें जो हेडलैम्प्स हैं वो प्रोजेक्टर नहीं है लेकिन LED है, रात को हमने इसकी रोशनी देखी थी काफ़ी अच्छी थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है एज सच कि विजिबिलिटी में कोई कमी है या थ्रो ऐसा जा रहा है कि आपको कहीं पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, काफ़ी अच्छा है। थोड़ा सा जो ये जो LED DRL है थोड़ा सा और स्लीक हो सकते थे, यहाँ पर जो है थोड़ा सा स्लीक होते तो ज़्यादा अच्छा रहता। ये जो चीज़ें हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी कर दी गई हैं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। हालांकि मुझे पीछे के जो डिज़ाइन है उससे कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत खूबसूरत लग रही है। जैसे ही मैंने इसको फर्स्ट टाइम देखा था ना, इसको पीछे से ही देखा था एयरपोर्ट में जब हम लैंड हुए तो ये बाहर थी। अब मैं अपनी जो है ये केबल ले लेता हूँ और गले में डाल लेता हूँ। आ जाइए, मुझे इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, आप समझ ही गए होंगे, समझदार लोग हैं आप लोग, चलाते हैं इसको। ये गाड़ी ना बिल्कुल ब्रांड न्यू है और ब्रांड न्यू गाड़ी में ना एक डिफरेंट स्मेल होती है। आपकी अगर पुरानी गाड़ी हो तो आप भी चाहते हैं वैसी स्मेल, कि हमारी गाड़ी में ऐसी फ्रेग्रेंस आए कि हमें भी नई गाड़ी की तरह लगे हो, तो ये आसानी से हो सकता है क्योंकि मुझे याद आई थी उस परफ्यूम की, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये है इन्वॉल्व एलिमेंट्स प्रो और न्यू कार सेंट है। अगर आप पुरानी गाड़ी में जो कि आपकी स्मेल आने लग जाती है ना पुरानी गाड़ी में आपका AC फिल्टर की वजह से और बहुत सारी गंदगी की वजह से, तो ये इस्तेमाल किया करो। आपको सिर्फ 2 बार स्प्रे करना है अपनी पुरानी गाड़ी में और एक आध बार आप जहाँ से AC का इंटेक होता है ना एयर का, वहाँ पर भी अगर कर देंगे तो आपकी पूरी गाड़ी महक जाएगी। तो यही बताना चाह रहा हूँ, अगर आपकी पुरानी कार में आपको न्यू कार जैसे स्मेल चाहिए, फ्रेग्रेंस चाहिए, तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये काफ़ी लंबा चलने वाला परफ्यूम है, कंसंट्रेटेड लिक्विड फॉर्म में है, काफ़ी लंबा चलता है, जब ज़रूरत हो तब यूज़ करना होता है। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस USB को निकालता हूँ, अपना जो है एप्पल कार प्ले चलाऊँगा। और देखिए सी का भी ऑप्शन है इसमें, इधर देखिए आप, सी का भी ऑप्शन है लेकिन ये सी केबल से नहीं चलता है। और आजकल आईफोन के साथ सी वाली आती है, मेरे को 1700 रुपये की खरीदनी पड़ी क्योंकि एक्स्ट्रा के लिए मैंने ली थी, उसमें भी वायरलेस नहीं है और ये बहुत बड़ी कमी है सच में। उसके बाद इन्होंने जो है
एक्स्टर में डैश कैम दिया है, इसमें नहीं आता, तो डैश कैम इसमें भी ऑफर करना चाहिए, इतनी महंगी गाड़ी है। बाकी जो इसका डिजाइन वगैरह है ना, मुझे काफी जबरदस्त लगा। ये जो इंटीग्रेशन है काफी अच्छा लगा मुझे। टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम की काफी अच्छी क्वालिटी है और जो रेजोल्यूशन है वो काफी अच्छा है, कलर बिल्कुल क्रिस्प है और साथ ही ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है डिजिटल, ये भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी एक्यूरेट है और काफ़ी विजिबल भी है इतनी तेज़ धूप में। और ये चीज़ें इंटीग्रेशन लाजवाब लगा। देखो गाड़ी के अंदर बैठने में मुझे बिल्कुल भी कोई ऐसा फील नहीं हो रहा है कि मैं यार 20 लाख के आसपास की गाड़ी चला रहा हूँ, काफ़ी अच्छा फील दे रही है। इंसुलेशन काफ़ी अच्छा, पैनल गैप आपको ना बाहर मिलेगा ना अंदर मिलेगा, क्वालिटी में तो बिल्कुल मज़ा ही आ गया। बट एक चीज़ है, ये जो सेंटर कंसोल है ना, ये हल्का हल्का आवाज़ करता है। ये प्रॉब्लम अभी 100% ख़त्म नहीं हुई है, ये पैर लगने में आवाज़ कर रहा है, हो सकता है कि आवाज़ बाद में बढ़े। अब देखिए आगे किस टाइप की सड़कें हैं, यहाँ पर मैं फील कर पा रहा हूँ सस्पेंशन जो है काफ़ी कंफर्टेबल है ऐसी सड़कों में। डीजल इंजन फिलहाल मैं चला रहा हूँ, काफ़ी अच्छा है, अच्छी पावर है, अच्छा टॉर्क है, 116 PS की पावर और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क। इसको हम चलाएंगे और इसके बाद हम आपको टर्बो चला के बताएंगे, उसके बाद हम नेचुरली एस्पिरेटेड भी चलाएंगे। अभी ये ऑटो स्टार्ट स्टॉप वाले फीचर से ऑफ हुई है, हम यहाँ पर रुके थे, तो इसमें जो है ना स्टीयरिंग घुमाने में स्टार्ट नहीं होती, VW और महिंद्रा की गाड़ियाँ हो जाती है, मेरे को पैडल से पैर हटाना पड़ेगा। जबरदस्त पावर इस इंजन को इतना चला चुके हैं, इतना इसके बारे में हम लोग बता चुके हैं, कुछ नया नहीं है बताने को। लेकिन हाँ, गाड़ी की सीट में बैठकर ये जो फील है ये अल्टीमेट है, नो डाउट। इसको स्पोर्ट्स मोड में लगाते हैं, देखिए इंजन का रिस्पॉन्स वैसी है जैसा आपको वेन्यू में मिलता है, जैसा आपको सोनेट में मिलता है, क्योंकि सेम ट्यूनिंग के साथ आप आने लगे हैं वो इंजन जब से BS6 फेज 2 से आए हैं। स्टीयरिंग का जो फीडबैक है ना, ये एडिक्वेट है, ना ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा बुरा। इसका जो ADAS है हमने हंडे वरना में चेक किया था, काफ़ी अच्छा काम करता है और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ सेम चीज़ें जो है इसमें आपको ऑफर की जा रही है, तो इसका हम चेक करना तो चाहते हैं, लेकिन इन रोड्स में हमें लेन्स वगैरह नहीं मिल रही है। आगे देखो लेन, लेकिन उससे पहले बहुत तगड़ा ब्रेकर और बहुत अच्छे सस्पेंशन। तो लेन असिस्ट को मैं ऑन कर देता हूँ, ये लेन को ऑन कर दिया, देखिए इसने डिटेक्ट कर दी, और मैं एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल को भी ऑन कर देता हूँ। अब देखिए कर रहा है काम, ये मेरे को बोल रहा है हाथ रखने के लिए, लेकिन मैं जब तक इसको चेक नहीं करूँगा तब तक नहीं। फिर भी डर लगता है जब आपकी गाड़ी में ADAS है, आप चला रहे हैं, आपको मालूम है काम करता है, लेकिन फिर भी डर लगता है, और ये होना भी चाहिए, ये तब काम आना चाहिए जब आपका ध्यान ना हो किसी कारणवश। अब देखिए बस आ रही है, सिंगल लेन रोड है तो ये ब्रेक ना मार दे उससे पहले ही मैं हट जाता हूँ। वो वहाँ से अप्रोच कर रही है, तब सिंगल लेन वाली रोड की तो मजबूरी है, देखते हैं काम करता नहीं करता इतनी तेज स्पीड में। कर गया कर गया, थोड़ी से इमरजेंसी ब्रेक ले रहा हूँ, देखना मेरे पीछे कोई नहीं है। इसकी हजार्ड लैंप ऑन नहीं हुई यार, होनी चाहिए इतने में तो, यार रुकने के बाद होगी, आई डोंट नो, मैं एकदम रोक के देखता हूँ। अभी अब हुई है, देखिए ऑलमोस्ट रुकने के बाद। जब भी मैं क्रेटा को चलाता हूँ ना, इसके सस्पेंशन मुझे काफी अच्छे लगते हैं, कंफर्ट तो इसमें मिलता ही है, कंफर्ट इन द सेंस कि जैसे बम्पी रोड्स हैं तो कुछ नहीं इफेक्ट काफी अच्छा मिलता है, लेकिन जब आप स्पीड में होते हैं ना तब भी ये सस्पेंशन कॉन्फिडेंस को डाउन नहीं होने देते हैं। हाँ मार्केट में है ऐसी गाड़ियाँ जिनका सेटअप काफी अच्छा है, लेकिन ये इस तरीके से तैयार करी गई है कि मास पब्लिक को पसंद आएगा, एक्चुअल में आता भी है, हाईवे के जो एंडुलेशंस हैं उसमें सेटल होके चलती है, और एक जब खराब कुछ ज़्यादा ही फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है ना गड्ढों की, तो एक वेव सी पैदा होती है कुछ गाड़ियों में, मैंने ऐसा देखा है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही शांत तरीके से ये चलती है, तो एक फैमिली को बहुत पसंद आने वाली ये गाड़ी अगर इसमें ट्रैवल करते हैं ना, नो डाउट ऐसी है कि मेरा काम चल जाएगा और मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। एर्गोनॉमिक्स भी सारे सॉर्टेड हैं, कहीं पर भी किसी भी बटन को आपको रीच करने में
या फिर कहीं पर भी किसी भी चीज को आपको एक्सेस करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो दोस्तों फाइनली चलाने को मिल गया है अपना 1.5 टर्बो DCT। ये चलाने को नहीं मिलता ना तो यहाँ आना सफल नहीं होता, क्योंकि क्रेटा में ये इंजन नया आया है तो काफी स्मूथ है। नो डाउट 4 सिलेंडर इंजन है, 160 PS की पावर। इसमें हम देखेंगे DCT की ट्यूनिंग कैसी है और परफॉर्मेंस कैसी है। बहुत स्मूथ, अगर आप लाइट फुट से चला रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा स्मूथ चल रही है, नो डाउट। और अगर मैं एग्रेसिव होके चलाना चाह रहा हूँ इसको तो ये बहुत क्विक भी है, डीजल के कंपैरिजन में काफी क्विक है ये। वाओ 100 क्या पुल करता है यार ये। 160 PS बहुत होता है, कहाँ 116 PS और कहाँ 160। और टॉर्क थोड़ा सा इसका ज्यादा है, 253 न्यूटन मीटर और डीजल का 250 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये इंजन उससे परफॉर्मेंस के मामले में काफ़ी ज़बरदस्त है। व्हील स्पिन हो जा रही है और टॉर्क स्टीयर भी हो रहा है, इतनी ज़्यादा पावर है, ज़बरदस्त। 6500 RPM पे जो है इसकी रेड लाइन है, बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, मज़ा आ गया। और इसमें हल्के से ना मुझे इसमें शार्प लग रहे हैं, मैं एक बार टायर प्रेशर चेक कर लेता हूँ, टायर प्रेशर ओके है। इसके सस्पेंशन थोड़े से स्टिफ हैं डीजल के कंपैरिजन में। देखो इस इंजन के साथ क्रेटा को चलाने में ये फील हो रहा है कि थोड़ा सा और इसके डायनेमिक्स अच्छे होने चाहिए, वरना वाले जो है डायनेमिक्स जो है इस इंजन के हिसाब से परफेक्ट है। ब्रेक बाइट बहुत शार्प है, दिन भर डीजल चलाने के बाद ये चला रहा हूँ, फुल मजे आ रहे हैं। और मैंने इसको मैनुअल मोड में डाल रखा है, बहुत जबरदस्त। देखो फ्यूल इकोनॉमी मान के चलो, आप सिटी में अगर आप चलाते हैं और तरीके से चलाते हैं तो 10-12 के आसपास ही निकाल कर देगी। हाईवे पे आप एक कांस्टेंट स्पीड में अगर आप चलेंगे, चल पाएंगे तो लगभग ये 14-15 का आराम से निकाल कर देगी। फास्ट है लेकिन प्लांटेड नहीं है, तेज स्पीड में हाईवे की स्पीड लिमिट के आसपास ये आपको सही लगेगी। और 120 मैक्सिमम होती है हर जगह। जब आप ड्राइव मोड सेलेक्ट कर देना, जैसे नॉर्मल से आप स्पोर्ट्स मोड में डाल देंगे तो आपका ना हल्का सा स्टेयरिंग में वेट भी बढ़ जाता है, ये आप फील करेंगे जब आप स्पोर्ट्स मोड में चलाएंगे। उसके बाद तुरंत आप नॉर्मल मोड या फिर इको मोड में जाएंगे और टर्न लेंगे तब आपको फील होगा कि यार ये थोड़ा सा हैवी हो गया है। इसका बेनिफिट ना जब आप हाई स्पीड में चला रहे होते हैं स्पोर्ट्स मोड में तब काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो अब हम चलाने वाले 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड, लेकिन ये CVT के साथ है। आइए कैसा चलता है बताते हैं आपको। क्रेटा के स्टीयरिंग में आपको टिल्ट प्लस टेलीस्कोपिक दोनों मिल जाते हैं। अभी कोई और चला रहा था इस CVT को, मैंने अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर दिया और काफ़ी स्मूथ है यार ये भी। इनिशियल पिकअप लग नहीं रहा है कि ये नेचुरली एस्पिरेटेड है, वैसे तो देखा जाए नेचुरली एस्पिरेटेड का जो है काफ़ी सही रहता है बाकियों के कंपैरिजन में। व्हील स्पिन करते हुए आप देखते हैं मिड रेंज कैसी है, टॉप एंड कैसा है इस इंजन का। मैंने जब इसको लॉन्च करा और अभी मैं स्लो स्पीड में चला रहा हूँ, लगभग 50 के आसपास है, मुझे बिल्कुल भी जो है ये अंडर पावर्ड बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है और काफ़ी स्मूथ है। क्रेटा में तीनों इंजन आपको 4 सिलेंडर मिलेंगे, प्रेस करते ही अबे 100 पहुंच गई यार इतनी आसानी से। किसी भी वेरिएंट में मतलब किसी भी इंजन ऑप्शन में आपको पावर की कमी फील नहीं होगी। इसको देखते हैं, ओहो सही है। और इसकी पता नहीं क्यों ज़्यादा शार्प लग रही है मेरे को, ये गाड़ी टू गाड़ी भी डिपेंड करता है बट इसकी कुछ ज़्यादा ही शार्प है। साढ़े 6000 RPM पे रेड लाइन है, टर्बोचार्ज पेट्रोल बड़ा ही फास्ट है सारे इंजन ऑप्शन में से।
ये भी ठीक ठाक है, एवरेज है, इसमें आपको पावर की कमी फील नहीं होगी, आप 100 में आसानी से इसको क्रूज़ कर सकते हैं, पहाड़ों में बिना किसी परेशानी के आप इसको चला सकते हैं। अगर आप इसका बेस वेरिएंट भी लेते हैं, मैनुअल भी लेते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यही तो अच्छी बात है, हर इंजन अच्छा है इनका। आपको एक्स्ट्रा पावर चाहिए, एक्सेसिव पावर चाहिए, तो टर्बो पेट्रोल आपके लिए है। आपको फ्यूल एफिशिएंसी के साथ पावर चाहिए, फन चाहिए, तो डीजल है इनके पास। आप शांत स्वभाव के इंसान हैं, आप आराम से चलाने वाले इंसान हैं, आपको पावर से कोई ज़्यादा खास मतलब नहीं है। आपको एक रिलायबल इंजन चाहिए जो ठीक ठाक एवरेज भी निकाल कर दे दे और आपकी डेली ज़रूरतों के हिसाब से वो फिट बैठ जाए, तो ये नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आपके लिए है। क्या दिक्कत है? कुछ भी दिक्कत नहीं है इसमें। मैं तो इससे पहले इससे ज्यादा पावरफुल इंजन ही चला रहा था ना, 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क। उनके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा डाउन है परफॉर्मेंस के मामले में, बट हाँ आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे इससे। सेगमेंट में ऐसी बहुत सारी गाड़ियां हैं इसके, जो आप चलाएंगे ना आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरे पैसे बर्बाद हो गए। नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ना उसमें पावर है ना उसमें फ्यूल एफिशिएंसी है, ठीक, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है, मज़ा ही आ जाएगा। और ये काफ़ी क्विक भी है, अगर आपको पावर चाहिए तो आपने टैप करना है, आप वहाँ से पुल कर सकते हैं अच्छा खासा। बहुत इसकी ज़्यादा ही शार्प पता नहीं क्यों लग रही है मेरे को ब्रेक भाई, हल्के फुल्के व्हील स्पिन तो ये भी मार रहा है यार, थोड़ा सा शोर ज़्यादा कर रहा है। सीवीटी है और नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, और अच्छी बात ये है तीनों ऑटोमेटिक्स में आपको पैडल शिफ्टर मिलेंगे। ये तो मैं इसको नॉर्मल मोड में चला रहा था, अब इसका स्पोर्ट्स मोड क्या गुल खिलाता है वो देखते हैं। मैं गाड़ी को एक बार रोकता हूँ यहाँ पे। अरे अरे, चेंज करने के बाद नहीं, आगे को फेंक रही है। गॉड यार, नॉट बैड। बट बात पता है क्या है, ये IVT ना, अगर हम एग्जिस्टिंग क्रेटा को अगर देखें तो ये 19 लाख के आसपास का पड़ता है। 19 लाख में नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मुझे नहीं लगता कि वर्थ है। तो अब देखते हैं 100 की स्पीड में कितने RPM पे चलती है ये CVT स्पेशली। मैं इसको पहले नॉर्मल मोड में ले आता हूँ, 100 की स्पीड में मैंने क्रूज लगा दिया है। ये 8 स्टेप CVT है, तो ये 1900 RPM पे क्रूज कर रही है। मैंने मैनुअली जो है इसको शिफ्ट किया था 1900 RPM पे 100 की स्पीड में। देखिए, हंडे को पावर ट्रेन के मामले में कोई बीट नहीं कर सकता, ठीक है, फिट एंड फिनिश, क्वालिटी और साथ के साथ कंफर्ट, और उसके बाद हम बात करें रिलायबिलिटी, उसके बाद फ्यूल एफिशिएंसी भी ओके है। एक सेफ्टी ही एक ऐसी चीज बची थी जिसमें इस पे क्वेश्चन उठते हैं। अगर हंडे इस चीज पे ध्यान देती है और इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देती है जो कि लोग सोचते हैं, तो बहुत अच्छी बिकने वाली है। मतलब कि सारी चीज़ें लोगों को मिल जाएंगी एक ही गाड़ी पे। ये फेसलिफ्ट आया है, इतनी सारी चीज़ें इन्होंने इंटीग्रेट कर दी है, इतने फीचर दे दिए हैं, इसके बाद बहुत अच्छी डिमांड होने वाली है, मुझे मालूम है, हम सबको मालूम है। क्योंकि देखो, ऐसा नहीं है कि इसकी गाड़ी की डिमांड नहीं थी, फेसलिफ्ट नहीं आ रहा है इसलिए। जब सेल्टोस का फेसलिफ्ट आ गया था ना, उसके बाद भी ये अच्छी खासी बिकती थी, इनफैक्ट सेल्टोस से ज़्यादा नंबर में ये गाड़ी बिकती थी। मैंने काफ़ी ओनर जिन्होंने क्रेटा नहीं ली, इसी के सेगमेंट की बाकी गाड़ियाँ ली, ठीक है, जैसे कि आपकी टाइगून हो गई और आपका जो है एलिवेट हो गई, तो ये सारी चीज़ें, तो वो बताते हैं कि यार क्रेटा थी दिमाग में, इसलिए नहीं ली क्योंकि वो 3-स्टार लेकर आई है, उतनी ज़्यादा सेफ नहीं है। और अगर आप इसका क्रैश टेस्ट होता है और ये अच्छे स्कोर लेकर आती है, तो जो दूसरे ब्रांड्स में जाने वाले लोग हैं ना, वो भी यहाँ पर आ जाएंगे। उन्हें पता है इस गाड़ी में क्या अच्छाइयाँ हैं, ये लंबे समय तक चलते रहेगी, कोई परेशानी नहीं होगी, सर्विस सेंटर काफ़ी अच्छे हैं, आफ्टर सेल सर्विस काफ़ी अच्छी मिलेगी, गाड़ी में दिक्कत नहीं आएगी। तो ये प्लस पॉइंट तो है क्रेटा के साथ, नो डाउट। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूँ, इस गाड़ी में आपको सभी कुछ मिल जाता है। इंजन ऑप्शन बहुत सारे हैं, गियरबॉक्स ऑप्शन बहुत सारे हैं, बेस वेरिएंट की कीमत भी ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है। वराइटीज ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं आपके पास, तो आप डिसाइड कर सकते हैं आपकी जैसी नीड हो, आपकी जैसी
क्षमता हो और आप जो चाहते हो, आप हाईवे पर ड्राइव करने के शौकीन है, तो अच्छा म्यूजिक सिस्टम भी इसमें मिलता है और ऊपर से अच्छी रिसेल भी है इसकी, तो लगभग सारे बॉक्सेस को ये टिक करती है। फीचर अब जो है सेगमेंट के हिसाब से इसमें अब आ गए हैं। देखो कोई भी कस्टमर होगा ना, गाड़ी खरीदते वक्त देखेगा सभी ब्रांड्स को, चला कर देखेगा गाड़ी, और आखिर में बहुत सारे लोग वही गाड़ी लेते हैं जिसमें कम दाम में सारा कुछ मिले, मतलब सारी जरूरतों को पूरा करे, सारे मतलब मैक्सिमम बॉक्सेस को टिक करे, तो उनमें से ये गाड़ी आती है आपकी हुंडई क्रेटा। तो दोस्तों बस यही बताना था, आपको कैसी लगी ये गाड़ी कमेंट्स में जरूर बताना, और साथ के साथ ये भी बताना कि इस गाड़ी में और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जय।